आज हम पढ़ेंगे एक हम्द। हम्द क्या होती है? हम्द वो नज़्म होती है जिसमें हम अपने अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो हमारी आज की हम्द का नाम है रब्बे रहीम। तो इससे पहले कुछ लफ्ज़ हैं जो इस हम्द में आए हैं, वो आप सुन लीजिए। एक तो है करीम, जो बहुत करम करे, आपके साथ बहुत नाइस हो। रहीम, जो आप पर रहम करे, आपको खाने को दे, आपको फैमिली दे। अजीम, बहुत बड़ा। सहरा तो आपको पता है। बादे नसीम कहते हैं सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उसको बादे नसीम कहते हैं। अलीम, इल्म वाला, अल्लाह का नाम जो बहुत अलीम हो, अल अलीम, बहुत समझ वाला। खालिक, खालिक जिसने हर चीज को बनाया हो, बनाने वाला। हक्कुल वदूद, हक्कुल वदूद अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम है हक्कुल वदूद। समी, सुनने वाला। हलीम, बहुत नरम, प्यार करने वाला। ठीक है जी, चलिए अब आप सुनिए हमारी हम्द। और एक वादा है, आपने इसको बार बार सुनना है और फिर बिल्कुल इसी तरह आपने इसको सुनाना है। पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसी लय में, इसी तर्ज पे सुनाना है जिसमें मैं अभी आपको सुनाऊंगा। रेडी है? जिसने दिया कुरान करीम वो है मेरा रब रहीम, रब रहीम। भेजा जिसने नबी अजीम वो है मेरा रब रहीम, रब रहीम। बागो सहरा उसने बनाए, आंधी तूफान उसने उठाए। उसने चलाई बाद नसीम वो है मेरा रब रहीम, रब रहीम। मुझको चलना उसने सिखाया, सीधा रास्ता उसने दिखाया। सबसे अच्छा सबसे करीम वो है मेरा रब रहीम, रब रहीम। अव्वल आखिर नाम उसी का, दुनिया चलाना काम उसी का। सबसे आला सबसे अलीम वो है मेरा रब रहीम, रब रहीम। ना है बेटी ना है बेटा वो है खालिक वो है अकेला। हक्कुल वदूद अस्समीउ हलीम, हक्कुल वदूद अस्समीउ हलीम वो है मेरा रब रहीम, रब रहीम। चलिए अब आप इसको बार बार सुनिए और इसको याद कर लीजिए और सब घर वालों को सुनाइए, फिर इसको रिकॉर्ड कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज को, नाना दादा मामू चचा ताया
सबको व्हाट्सएप कर दीजिए, सबको भेजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।